साल 2010 में एचआईवी से पीड़ित लोगों के एक समूह द्वारा उत्तराखंड एसोसिएशन फॉर पॉजिटिव पीपल की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य एचआईवी से संक्रमित लोगों के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना है। संस्था का उद्देश्य यह है कि जो भी एचआईवी पॉजिटिव है उत्तराखंड में, उनके जीवन स्तर को किस तरह सुधारा जाए और उनके समग्र विकास के लिए काम किया जा सके, जिसमें कि हम अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं, अलग अलग प्रकार के माध्यमों से एचआईवी पॉजिटिव लोगों तक जुड़ते हैं और अलग अलग माध्यमों से उनको सहयोग प्रदान करते हैं, ताकि केवल वो एचआईवी के कारण अपने जीवन को खो न दे, वो अलग अलग माध्यमों से लाभान्वित हो और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। कोरोना के कारण लगने वाले देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से एआरवी उपचार, दवाओं और राशन का प्रबंध करना सभी के लिए मुश्किल हो गया था। अप्रैल में मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले थी रूम पे, तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकती थी, तो मेरे को दवाई पहुंचाई गई और राशन भी पहुंचाया गया। कोविड के दौरान मैं उस वक्त दिल्ली से दवाई ले रहा था, बट मुझे पहले तो एआरटी ने यहाँ पर ट्रांसफ़र दे दिया था, फिर मेरा इस संस्था ने मेरा काफ़ी हेल्प करी। उस दौरान मेरे को घर पे ही दवाइयाँ पहुँचाई गई और राशन भी पहुँचाया गया, जिससे मुझे पूरी आर्थिक सहायता भी दी गई। उनको एचआईवी के बारे में जागरूक हो, कम से कम वो इतना जाने कि वो किस तरह एचआईवी से बच सकते हैं, और यदि वो एचआईवी पॉजिटिव होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपचार से जुड़ें, ताकि हम आगे जो हमारा एसडीजी गोल है 2030 का, कि एचआईवी पॉजिटिव नए इन्फेक्शन खत्म करने हैं। सामुदायिक जुड़ाव और समग्र विकास को बढ़ावा देकर एसडीजी 3 को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए पीएलएचआईवी को प्राथमिकता देकर समुदायों को सशक्त बनाना है।